बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, 7 फरवरी को अगली सुनवाई, एक महीने बाद ये अगली सुनवाई होगी और तब तक अतिक्रमण नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और साथ ही राज्य सरकार को और रेलवे को नोटिस भी भेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है और तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हल्द्वानी मामले पर देश और दुनिया की नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान कर दिया है कि हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। और तो और, जस्टिस कॉल ने साफ तौर पर कई बड़े सवाल खड़े किए और पूछा सरकार से कि आखिरकार ये बताएं कि ये जमीन किसकी है, क्योंकि ना तो रेलवे इस पर अपना पूरी तरीके से दावा ठोक पाया है और ना ही राज्य सरकार ये दावा ठोक पाई है। तो क्यों बेगुनाह लोगों को परेशान किया जाएगा? और अगर इन लोगों को आप लोग हटा रहे हैं तो इनके लिए घरों की व्यवस्था करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक बड़ा तमाचा जो है ये संघीय मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के गालों पर सुप्रीम कोर्ट ने जड़ दिया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चली थी, जिसपे जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कॉलिन गुंजाविल्स बहस कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताया और साफ तौर पर कहा कि ये भी साफ नहीं है कि ये जमीन रेलवे की है भी या नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश में भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये राज्य सरकार की जमीन है। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की ओर से पेश एएससी ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या रेलवे और राज्य सरकार के बीच जमीन डिमिक्रेशन हुई है। वकील ने कहा कि रेलवे के स्पेशल एक्ट के तहत हाईकोर्ट ने कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। एएससी ऐश्वर्या भाटी ने साफ तौर पर कहा कि कुछ अपील अभी भी पेंडिंग में है, लेकिन किसी भी मामले में कोई रोक नहीं है। रेलवे की जमीन पर 4365 निर्माण है। कोर्ट ने कहा कि आप केवल 7 दिनों का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली करो, ये मानवीय मामला है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि लोग 50 सालों से ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भले ही ये आपकी जमीन हो, कुछ लोगों ने कहा है कि वो 1947 से पहले रह रहे हैं, उन्होंने लीज पर जमीन ली और मकान बनाए, किसी ने नीलामी में खरीदा, उनका क्या होगा? विकास की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन लोग इतने लंबे समय तक रुके रहे तो पुनर्वास की अनुमति दी जानी चाहिए। आप 7 दिनों में खाली कराने के लिए किसी को कैसे कह सकते हैं? हल्द्वानी के जिला अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, फैसले के बाद रणनीति बनाई जाएगी। जमीन रेलवे की है, लिहाजा उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले से इस इलाके में मुनादी भी कराई गई थी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। इधर रेलवे की भूमि में बने 4000 से ज्यादा घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ नहीं करने की भी अपीलें की हैं। हल्द्वानी में घरों के अलावा लगभग आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल हैं, 11 निजी स्कूल हैं,
एक सरकारी बैंक है, दो ओवरहेड पानी की टंकियां भी हैं, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकानें भी हैं। जिला प्रशासन ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 दिसंबर को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अखबारों में नोटिस प्रकाशित किया था। प्रशासन ने लोगों से 9 जनवरी तक अपना सामान ले जाने को भी कहा था। ये भूमि की पट्टी 2 किलोमीटर लंबी है, जो कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बनभुलपुरा इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर तक फैली हुई है। अधिकारियों ने रेलवे की जमीन का निरीक्षण भी किया, जबकि हटाए जा रहे निवासियों ने बेदखली रोकने के लिए कैंडल मार्च निकाला और वहां पर धरना प्रदर्शन भी दिया। इलाके की एक मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक नमाज इस्तेमाई दुआ अदा की है। मस्जिद उमर के इमाम मौलाना मुकीम कासमी ने एएनआई को बताया कि लोगों ने सामूहिक रूप से समाधान के लिए प्रार्थना की है। कुछ प्रदर्शनकारी रोते हुए भी दिखे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक उल्लेख किए जाने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस नजीर और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा था कि इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी और प्रदर्शन एक ऐसे क्षेत्र में कार्रवाई के लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि यहां के अधिकांश निवासी जो हैं वो मुस्लिम हैं, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और नेता भी विरोध प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में जहां लोगों का विश्वास था, जहां रोते बिलखते हुए लोग दुआ मांग रहे थे हल्द्वानी की सड़कों पर, जहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, आज उन लोगों की दुआ को कबूल कर लिया गया है। जहां दुआ कबूल हुई है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिखते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो कोदी मीडिया बुलडोजर चलवाने के लिए उत्तेजित हो उठा था, पर आज बुलडोजर प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में सरकार को और रेलवे विभाग को कहीं ना कहीं इशारतन जबरदस्त फटकार लगा दी है और कहा है कि पहले ये फैसला कीजिए कि ये जमीन रेलवे की है या राज्य सरकार की है, और अगर राज्य सरकार की नहीं है तो कैसे आपकी नाक के नीचे ये तमाम सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और कैसे ये तमाम चीजों का जो मामला है वो चलता रहा, क्योंकि आजादी से पहले के लोगों के पास में कागज है जहां जमीन खरीदने की वो तमाम दावे और सबूत दिखाते हुए तमाम लोगों को नजर आए। और अगर आप लोगों को ये जगह को तोड़ना है तो आप लोगों को इन लोगों को जगह देनी पड़ेगी, और 7 दिन की मोहलत आपने क्या सोच करके इन मजलूम लोगों को दी थी, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी जीत जो है हल्द्वानी के लाखों मुसलमानों की हुई है। और तो और तमाम लोग जो हल्द्वानी के हक में दुआ कर रहे थे, उन लोगों की दुआओं को भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कबूल किया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।